एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा, कहाँ आज बड़े तैयार दिखाई दे रहे। उसने कहा, ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला, ये कोई ले जाने का ढंग है? पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला, कपड़ों में क्या हमारे पहन लेना, देथ लेथ मन संक न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना, ठीक है। मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए। अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा, बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है? अब उन्होंने परिचय देना शुरू, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी है। बोले, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले, कपड़े नहीं है तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा। एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो? अरे बोला, अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आ गए और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े? तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद अब खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा, तुमने फिर कपड़ों के बारे में, तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए, तो बताए क्यों? लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोले अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया। पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए और इनकी जितने गुण गाए जाए सब कम है, लेकिन क्षमा करें, हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। फिर कपड़े, अभी तर भरे कपड़े, हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी। तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं, कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। यही भी दे रहा जाए जिस भाव, जिसको जैसी भावना रहे। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा मैंने एक संत के मुख से सुना था। एक बार एक दंपत्ति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला, क्या बात है? बोले, बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले, भगवान से प्रार्थना कर, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला, सेठ जी वहां क्यों चले गए? यहां आओ। इशारे से बोला, यहां आओ। सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत,
करो फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। का क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने, और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही पर राम थे अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूछ है, लेकिन ये पूछ है क्यों, क्योंकि जास हृदय आगार भसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूछ रहती है। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया। वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें, हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी, इसका अर्थ तुम भी गलत तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई। अब है विचित्र बात की नहीं, अब दिए में ज्योति कहां से आई। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई, इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया। तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई। कहां गई, उसने कहा इसका क्या अर्थ। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी, आई थी, हम नहीं बता सकते गई थी, तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा, इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी, मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्प आहार कर ले, दो लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार। बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा, जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा। पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं। मां बोली दो। बेटा बोला तीन। का कैसे, बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो, मां ने गिनना शुरू किया, एक लड्डू में एक, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी दो। बेटा बोला दो और एक तीन। अब मां इधर से भी गिने, एक, बेटा कहे ठीक दो, बेटा तुरंत कहे दो और एक तीन। गणित का सिद्धांत,
जहां दो और एक हुआ तीन तो होते ही हैं। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं, पर लड्डू तो दो हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो तीन हैं। उसका पिता बैठा था पास में ही, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देने लड्डू तीन है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू तीन है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा एक लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया अपने मित्र के साथ घूमने निकला, तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हांकते नहीं हो, और कैसे बिना तुम्हारी चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हांक देता हूं, और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी, सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हांक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं, वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। एक बार दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? उसने अरे इधर आ बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां, नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ, टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है? कि हमारा मालिक और ना समझ, हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं, हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था। दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, सो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण, सब लोग लेते, इसमें क्या है? गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण,
रामचरित मानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं गीता, कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना और बारह सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ आ महाराज, क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरु जी एक घंटे की जगह डेढ़ घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा, चेला बोला बताया नहीं दो गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। एक गांव में रहता था एक कोई व्यक्ति, उसकी नाक कट गई झगड़े में या किसी तरह कट गई। अब कौन वहां तक पता लगाने जाए, कट गई। अब बेचारा परेशान, एक तो नाक कट गई, गांव में जहां से भी निकले सभी लोग कहते नकटे भैया आ रहे, कोई कहता नकटे ताऊ, कोई नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो कहता नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, लेकिन करे क्या, नाक को छिपावे भी तो कैसे, कान कटे तो कुछ टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, आंख ना हो तो चश्मा लगा ले, नाक का क्या करे, सीधे सामने ही साफ। तो उसने सोचा नाक कट गई तो नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं है, तो उस नकटे ने इज्जत पाने के लिए एक युक्ति सोची, क्या साधु बन जाओ। ताकि हमारी कटी हुई नाक पर ध्यान न जाए, पर लोग भी तो विचित्र हैं, बेचारा साधु भी हो गया तो भी लोग कहते नकटे बाबा आए, नकटे स्वामी जी। अब बड़ी मुसीबत, और कोई कहता नकटे तो दूसरे लोग डांटते हैं, ऐसे बोलते हो साधु हैं ऐसे मत बोलो, तो उसे लगता कि शायद पक्ष में हो, लेकिन वो भी यही पूछता कि महाराज कैसे कट गई। अब उसको लगा कि इस क्या करें, तो एक कुटिल योजना उसने मन में बनाई। एक आदमी ने एकांत में आकर पूछा कि नाक कैसे कट गई, बोला ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, कटी नहीं है, हमने खुद काटी। सो क्यों? एक दिन भगवान ने कहा स्वप्न में, तू मुझे चाहता है, मेरा भक्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। मैंने स्वप्न में कहा आप जो कहें सिर काट कर रख दूं। भगवान ने कहा सिर नहीं, केवल नाक काट ले, मैं दर्शन दूंगा और सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। तो जब से नाक कटी काट दी मैंने, भगवान प्रकट हो गए और देखो ये दिख रहे हैं सामने दर्शन, रहा हा जय हो प्रभु, ये भगवान दिख रहे हैं हमेशा रहते हैं, हमको खूब दिखते हैं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता, नाक कटे तो कटे। बोले लोग भले ही कुछ समझे, नाक कटे तो भगवान मिल रहे। तो कहा एक बात है, क्या हमको भी मिलेंगे भगवान? हाँ मिलेंगे। तो काय को नाक कटवाता? बोले नहीं नाक जाए तो जाए, दर्शन तो हो। तो कही आ जाओ सवेरे,
गया, उसकी भी काटी। अब कहीं भगवान ऐसे मिलते हैं? उसकी नाक कटी, उसने कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे कहीं। बोला हमें भी नहीं दिखते। कहा फिर हमारी काय काट दी? कहा कि हम अकेले परेशान थे, सब दो हो गए। अब उस बिचारे को मिला कुछ नहीं था उस नकटे के पास, और नकटों के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी नाक कट गई तो मजबूरी थी। अब वही हल्ला मचाने लगा, हा हा भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब पहले तो एक कहता था, हा? अब दो कहने लगे। बोलो, प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार इतना प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन में अपना प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करने ही भूल जाता है। विचार बिचारा जैसी कौंधता है वैसी प्रचार कोई कहता है अरे क्या बात करते हो, अगर कुछ नहीं होता तो इतना होता, तो आदमी फिर चुप रह जाए। अब दो कहने लगे, ये दिख रहे हैं भगवान, ये दिख रहे हैं। दो में से किसी को नहीं दिख रहे थे, पर क्योंकि नाक कटी थी तो मजबूरी में कहना कि दिख रहे हैं। तो तीसरे ने भी कटवा ली, अब तीन हो गए। अरे तीन क्या, उन्होंने 300 कर दिए, धीरे धीरे 3000 हो गए, इतने नाक कटी। अब जब भीड़ हो गई तो आदमी को विश्वास करना मजबूरी थी कि मिले होंगे भगवान, इतने लोग नाक कटाते। नकटों का समूह चल पड़ा, भीड़ की भीड़ नकटों की, किसी को कुछ नहीं मिला, सब हल्ला मचा रहे, झूम रहे, ना ये मिल गए, ये मिल गए। वो तो एक साहसी आदमी आया, उसने कहा हमारी कटी सुकटी औरों की तो बचा लें। तब उसने हिम्मत करके कहा कि यहां कुछ नहीं है, यही है। भीड़ के साथ एक ही शब्द है, भाड़, भीड़ भाड़। भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। क्या ये विडंबना है? और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर रीझते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसे ही हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हों तो दो कौड़ी के, और आप हों कुछ और दिखें कुछ तो दो कौड़ी के भी हों तो करोड़ों के। पर बनावट जहां चले तो ठीक, पर भगवान के यहां तो ना चले। इसलिए सहज श्रृंगार, सहजता ही जीवन का श्रृंगार है, सरलता। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया,
गांव का रहने वाला था, पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे, पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है और ये कैसे हैं, सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार, पूड़ी साग थाली में आया वो ऐसा विचित्र आदमी, एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक, अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें, जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत ही। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाए जा रहे, अब उसको था कि ये हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उस उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम दो टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही कि थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर आए, एक पूरी में क्या होता है, दो दो। अब तो एक पूरी उठावे उस पर साग रखे, दूसरी पूरी उसके ऊपर रखे, द्वे द्वे को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया, समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहें लाज सो डरे जा, मत्था पीटा कि लाज तो रख कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी, पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो माथे से लगाओ फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो दो पूड़ी और साग फिर माथे से लगा फिर खाए। तब पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली, एक लकड़ी लगाई अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा, इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया, कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं।